तो दोस्तों, मेरे पास एक 15 एम्पीयर का चार्जर आया है। इसमें जो गड़बड़ी है वो आपको देखा रहा हो। 48 वोल्ट मैंने दे दिया, एसी लाइन दे रहा हूँ। इसको ठीक करना है। देखिए, मेन एलईडी तो जल रहा है, ये एलईडी नहीं जल रहा है। ये देखिए, धीमी जल रही है, अंदर से कुछ आवाज भी आ रहा है। देखा, वो जल रहा है, बंद हो रहा है। इसको हम ठीक करने का कोशिश करेंगे। मैं पहले खोल लेता हूँ। मैंने इसको खोल लिया। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं, मैं 3525 3525 इस आईसी को सेंस करके देखूंगी। कुछ लोग कमेंट करते हैं, डायोड आउटपुट डायोड कौन सा है। देखिए, दो बड़ा कंडेंसर है, 1000 mFD, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। इस साइड में मॉस्फेट रहता है और इसके उल्टे साइड में छोटा कंडेंसर, इस साइड में आउटपुट डायोड रहता है। दो दो आउटपुट डायोड रहता है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, फुल चार्ज शो कर रहा है, क्या करूं। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, आईसी का जो 8 नंबर पिन है, ये यहाँ से यहाँ पर एक कंडेंसर रहता है, एक कंडेंसर के बाद यहाँ से काट करना है। और उससे भी काम नहीं बना तो ये आईसी का 2 नंबर पिन से ये जम्पर है। देखिए, ये जम्पर रहता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक जम्पर है, जम्पर खोल दीजिए। उसके बाद ये 16 नंबर पिन से 2 नंबर पिन में 4.7 के रेजिस्टेंस लगा दीजिए, क्वार्टर वाट। जितना छोटा छोटा रेजिस्टेंस हो सकते हैं आप लगा सकते हैं, यहाँ पर छोटा रेजिस्टेंस ही लगाना है। कुछ कुछ बोलता है कितने वाट का लगाता हूँ, लगाऊंगी। यहाँ पर तो ज़्यादा वाट नहीं चलेगा, यहाँ पर क्वार्टर वाट। और 4.7 के 16 नंबर 2 नंबर पिन में लगाने के बाद यहाँ से 4-10 के रेजिस्टेंस ग्राउंड कर देना है। ठीक है, ये जम्पर पहले खोल लेना है और ये रेजिस्टेंस लगा देना है। 8 नंबर पिन का ये यहाँ से कट कर देना है। ये ट्रांजिस्टर के ये इमिटर यहाँ से कट कर देना है। ठीक है दोस्तों, इससे भी फुल चार्ज जो शो कर रहा है वो ठीक हो सकता है। ठीक होता है, मैंने बहुत कर दिया इसी तरह। और इस चार्जर को देखते हैं, ये तो ये लाइट आ रहा है, चला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने एक बार पहले इसको थोड़ा सोल्डरिंग कर देखता हूँ, सोल्डरिंग करके कोई फायदा होता है कि नहीं। फायदा हुआ तो आईसी खोल लूँगी। इसी तरह का प्रॉब्लम ज़्यादातर यहाँ पर जो इसी तरह का प्रॉब्लम यहाँ पर जो 400 वोल्ट 400 वोल्ट 225 PF रहता है, उसी के कारण भी ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से एक बार लाइन देकर देखूंगी।
कोई संभावना नहीं है। मेन पावर लाइट जल रहा है और ऑन होने के बाद जो रेड लाइट जलता है वो नहीं जला। थर्टी परसेंट ब्लिंक कर रहा है। इसी तरह का प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है। ये जो फॉल्ट आप देखा, थोड़ा थोड़ा लाइट जलता है, लिप बंद होता है। यह पर जो पीएफ रहता है आउटपुट ड्राइवर सेक्शन में, जो ट्रांजिस्टर के आउटपुट पीएफ, ये देखिए यह पर एक पीएफ खोल गया है। इसको पहले लगा कर देखता हूँ ठीक होता है कि नहीं। ये तो मैंने देखा नहीं, ये खुल गया है, ओपन हो गया। इसको पहले लगा देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं एम्पियर नहीं आ रहा है सर। देखिए सॉपर, यहाँ पर जो आउटपुट दो पिन है ये डिसोल्डर ड्राई होने से भी एम्पियर नहीं आएगा। यहाँ पर पहले आप सब चार्जर खोलेंगे, हर तरह के ड्राई सोल्डरिंग होगा कि नहीं ये देखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप कोई चार्जर खोलेंगे पहले ट्रांसफार्मर के पास प्लेग, ट्रांसफार्मर का जो पिन है ओपन हुआ कि नहीं वो देखना पड़ेगा। उस लोग का कमेंट आते है चलता नहीं है सर, तो आप यहाँ पर जो 327 327 और मिडिल में दो 337 ट्रांजिस्टर, इसको अच्छी तरह से माप लेना। एक भी थोड़ा सा खराब हुआ, किसी का भी टैंक टांग टूट गया तो आपका चार्जर ऑन नहीं होगा। लगा दिया, ये तो फिक्स्ड हो गया। इसका मतलब ये पीएफ ड्राई हुआ था। अब डायरेक्ट लाइन देकर देखता हूँ। लोड ले लिया, यहाँ पर दोनों रेड लाइट जल गया। एम्पियर मीटर को आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मेरा एम्पियर मीटर धीरे धीरे 15 एम्पियर के तो करीब जा रहा है। 15 एम्पियर का चार्जर है, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है। चार्जर ओके हो गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये चार्जर तो ठीक हो गया। जब भी चार्जर खोल, आप कोई चार्जर खोलेंगे, मैंने जब भी चार्जर खोलता हूँ पहले मॉस्फेट माप लेता हूँ, उसके बाद आउटपुट डायोड माप लेता हूँ। आउटपुट डायोड शॉर्ट हुआ तो मॉस्फेट तो उड़ जाएगा ही, तो तब भी मैं माप लेता हूँ। और यहाँ पर 10 वोल्ट, यहाँ पर 12 वोल्ट 12 वोल्ट, ये दोनों आना चाहिए। ये 12 वोल्ट यहाँ से आकर यहाँ पर आता है, यह ट्रांजिस्टर के थ्रू यहाँ से ये आईसी का 13
और 15 नंबर पिन में, 13 और 15 नंबर पिन में आता है, वहाँ से एक डायोड के थ्रू ट्रांजिस्टर में वोल्टेज जाता है, 12 वोल्ट यह आते हैं। और आपका चार्जर चल नहीं रहा, उसका दूसरा भी कारण हो सकता है, यहाँ पर जो 12 वोल्ट बांधता है यहाँ पर गड़बड़ होने से भी आपका चार्जर चालू नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। या ट्रांजिस्टर खराब हुआ तो भी नहीं चलेगा, आईसी खराब हुआ तो भी नहीं चलेगा, या पर कोई भी गड़बड़ हुआ तो भी नहीं चलेगा, या पर गड़बड़ हुआ तो आपका ये 12 वोल्ट नहीं रहेगा, या पर 7 वोल्ट 8 वोल्ट ऐसा जब भी एसी में देंगे घट जाएगा, 48 वोल्ट देंगे वोल्टेज ठीक दिखाएगा, जब भी एसी में देंगे घट जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक बात, फुल चार्ज होने के लिए हो जाने के लिए, क्विक फुल चार्ज होने जाने के लिए और एक तरीका है, वो अभी है तक आपको नहीं दिखाया। यहाँ पर देखिए 1 के रेजिस्टेंस है, 1 के रेजिस्टेंस खोल के 1 के का इस पिन से नेगेटिव कर देना है 1 के, और 1 के ऊपर और 1.5 के और एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर पैरेलल में कनेक्ट करके देना है। LM324 IC से जो ये पिन से जो निकलता है वोल्ट, ये नेगेटिव कर देना है दो रेजिस्टेंस से, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 1 के है इसको लगा देना है और एक 1.5 के रेजिस्टेंस लगा देना है पैरेलल। उसके बाद इस पिन से एक 10 के रेजिस्टेंस, यहाँ पर 5 वोल्ट मिलता है, इस 5 वोल्ट से यहाँ पर दो रेजिस्टेंस के मिलने का ये जो जोड़ने का ये सोर्स है, इस सोर में एक 10 के रेजिस्टेंस लगा देना है। इससे क्या होता है, एम्पियर फिक्स्ड हो जाता है, 10 एम्पियर के करीब आता है, 10-12 ऐसे करीब आता है, 12 के ज़्यादा होगा है तो उसके ऊपर और एक रेजिस्टेंस मारना होगा। और एक बात, और ये देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर जितना रेजिस्टेंस लगाएंगे उतना वोल्टेज घटते जाएंगे, आप जब भी वोल्टेज घटाने का ज़रूरत पड़ेगा तब भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देना है। मैंने कमेंट कर देता हूँ 10 के लगाइए, किसी को बोलता हूँ 4.7 के लगाइए, वो यही पर लगाना है एम्पियर घटाने के लिए, ठीक है दोस्तों। आज यही तक रखता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरा नया चैनल है सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आज रखता हूँ।